والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. मैं जब छोटा था तो मैंने अपने मदरसे में पहली बार तिलावत की. साउंड होता है इको, तो आउजू जब पढ़ा तो उसमें ऐसे साउंड आया तो मैं डर गया. सब जो हजरात थे हंसने लग गए. और जब मैं बड़ा मतलब मुझे मैं दुखी होने लगा तो मेरे बाबा ने मुझे एक हौसला दिया. बोले खैर है, आप हार नहीं माने, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे ज़रूर इंशाल्लाह. तो उसके अगले साल जब मैंने तिलावत की तो बीच में कई लोग रो रहे भी थे. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम. अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि कुरान मजीद किसी शख्स को किस कदर इज़्ज़त अता फरमाता है, कितनी शोहरत अता करता है और दिलों में कैसे मोहब्बत भर देता है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज हमारे सामने कारी अबू बकर की सूरत में मौजूद है. 13 साल उम्र है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, मानसेहरा का बच्चा है, लेकिन इस वक्त आलमी उफक पर छा चुका है, आलमी शोहरत का हामिल बच्चा बन चुका है, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग कर चुका है और दुनिया में अपनी आवाज़ का, अपने हुनर का और अपनी तलावत का और अपने कुरान से मोहब्बत का एक सबूत बन के सामने आया है. नाज़रीन, इस वक्त कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं. अबू बकर, ये बताइए कि खेल कूद की उम्र में, छोटी सी उम्र में, एक मासूमियत की उम्र में जब आलमी सतह की आपको शोहरत मिल गई है, इंटरनेट पर आपकी धूम मची है, तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, सोच क्या रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चे हैं वो खेल कूद की तरफ हैं. हालांकि खेलना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे छोटी सी उम्र में कुरान की तरफ चुना, कुरान के लिए चुना, और मुझे बहुत खुशी है और मेरे वालिदैन को भी बहुत खुशी है. अच्छा, ये बताइए कि अब तक आपके क्रेडिट पर कितने अवार्ड्स हैं, कितने इनामात और तमगे आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर जीत चुके हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 अवार्ड जीते. सबसे पहले मुकाबला जायज़ तहबीर अबू जहबी में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की. माशा, उसके अलावा कतर तिजान नूर मुकाबले में मैंने 5वीं पोजीशन हासिल की. उसके अलावा अलजायर, अफ्रीका के मुल्क अलजायर में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की. और जो ईरान में मुकाबला हुआ उसमें मैंने वहाँ भी 2nd पोजीशन हासिल की. और अभी जो हालिया मुकाबला हुआ इराक में, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की. माशाल्लाह. अबू बकर, कुरान की बरकत से आपने इतने मुल्क घूम लिए, इतनी जगह VIP बन के आप पहुँचे, कई ममालिक में आप गए और तलावत सुनाई, किस मुल्क का तजुर्बा सबसे आपको ज़्यादा खुशगवार और लुत्फानंदोज महसूस हुआ? ये सब मुल्कों में मेरा अच्छा सा तजुर्बा रहा. ईरान में जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा दाद देते हैं और खड़े होकर वाले मतलब दाद देते हैं. वाकई तो, जी. अबू बकर, छोटी सी उम्र में इतने आपके फ़ैन बन गए हैं, इतने आपके चाहने वाले बन गए हैं, मीडिया आपके पीछे पीछे है, लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं कुरान की वजह से, वो वक्त वो मुश्किलें याद तो आती होंगी, कैसा उस वक्त कैफियत होती थी जब हिफ्स कर रहे थे, और कभी कारी साहब डांट भी देते होंगे, मुश्किलें भी आती होंगी? जब मैं भी ऐसे हिफ्स करता था, कार साहब के पास बैठता, शुरू में मेरा दिल भी नहीं लगता था, उसके बाद दिल भी लगा और मुझे यकीन ही नहीं आया था कि अल्लाह पाक ने मुझे छोटी सी उम्र में इतना आला मुकाम अता किया. अच्छा, उस वक्त तो आप नहीं जानते थे कि इतने कामयाब हो जाएंगे, तो उस वक्त जो कैफियत थी, जो मुश्किल था पढ़ना, कभी ख्याल आया था कि छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, आगे नहीं बढ़ते? अगर मेरे तक होता तो मैं छोड़ भी देता. मेरे वालिदैन, उन्होंने मुझ पर सख्ती की और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मैं वालदा मोहतरमा और वालिद साहब उनकी वजह से इस मुकाम पर पहुँचा. माशाल्लाह. अच्छा अबू बकर, शोहरत की इन बुलंदियों पर पहुंचने के बाद दौरान हिफ्स का जब आप पढ़ रहे थे, मुश्किलात थी, कोई ऐसा वाकया जो बहुत यादगार हो और आप बहुत याद आता हो कि उस वक्त कैसी कैफियत बनी थी? मैं जब छोटा था तो मैंने अपने मदरसे में पहली बार तिलावत की. तो जब साउंड होता है इको, तो आउजू जब पढ़ा तो उसमें ऐसे साउंड आया तो मैं डर गया. ऐसे तो सब जो हजरात थे हंसने लग गए. और जब मैं बड़ा मतलब मुझे मैं दुखी होने लगा तो मेरे बाबा ने मुझे एक हौसला दिया. बोले खैर है, आप हार नहीं माने, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब होंगे ज़रूर इंशाल्लाह. तो उसके अगले साल जब मैंने तिलावत की
तो बीच में कई लोग रो रहे भी थे, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अबू बकर, अब तो काफ़ी मुकाबले आप जीत चुके, बहुत कॉन्फिडेंस और एतमाद आ चुका, उस वक्त की कैफियत के बारे में ज़रा हमें बताएं कि जब पहला मुकाबला था आपको बिल्कुल नहीं पता था इंटरनेशनल सतह पर आप आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या कैफियत बनेगी, उस वक्त क्या सोच रहे थे, दिल पर क्या बीत रही थी? उस वक्त क्योंकि मुझे बिल्कुल तजर्बा नहीं था और मैंने तिलावत भेजी और उस पर बहुत मेहनत की और मेरे वालदेन मोहतरम जो हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की और मुझे ऐसा लगता था कि एक मतलब ख्वाब आता था कि मेरी इंशाल्लाह पोजीशन आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। इंटरनेशनल मुकाबलों में जब आप वहाँ बैठ के पढ़ते हैं, मुल्क अपना नहीं होता, लोग अपने नहीं होते और एक जजेस की नज़रें आप पर गड़ी होती हैं, तो कोई प्रेशर भी होता है पढ़ते हुए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब प्रेशर नहीं होता, बस रिलैक्स होकर पढ़ते हैं क्योंकि जो बाहर के जजेस हजरात होते हैं वो दाद भी देते हैं साथ साथ और बंदे का हौसला बढ़ाते हैं, तो उससे तिलावत सही होती है। अच्छा, वो जो आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे थे उनमें से कौन ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो सारे ही जो कारी हजरात थे बहुत पसंद थे, पर जो ईरानी कारियों का अंदाज़ था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा, ये तिलावत यहाँ से तैयार करके ले जाते हैं वही वहाँ तिलावत करते हैं या एट द स्पॉट या उससे कुछ पहले वो हिस्से मुंतखब करके देते हैं कि यह तिलावत की जाएगी? जब मुकाबलों में ऐसा होता है कि वो कोई तिलावत देते हैं कुछ घंटे पहले और उसको फिर पढ़ना होता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी गुफ्तगू है, बहुत कुछ सीखेंगे हमारे बच्चे इससे, उन्हें शौक पैदा होगा, ज़ौक पैदा होगा। ज़रा कानों में रस घोलिए, कुछ तिलावत भी सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله। अच्छा अबू बकर, ये बताइए कि आपकी वजह से इंशाल्लाह बहुत से लोग कुरान से जुड़ेंगे, हमारे बच्चों को शौक़ पैदा होगा कि वो भी इस तरह के मुकाबलों की तैयारी करें, इसमें हिस्सा ले सकें, ये बताइए कि इसका तरीका कार क्या है, ये हमारे मुल्क से कितने लोग ऐसे इंटरनेशनल मुकाबलों में जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, ये चांस अवेल कर सकते हैं? फेसबुक पर एक पेज है वर्ल्ड वाइड कुरानिक कम्पटिशन, तो उस पर जितने ये मुकाबले होते हैं उस पर मतलब तफसीलन बता दिए जाते हैं, तो उससे रजिस्ट्रेशन मतलब मैं भी वहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ और वहाँ से सिलेक्शन हो जाती है, वहाँ तमाम मुकाबलों की तफसील आती है। अच्छा अबू बकर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है आपके वालिदैन के लिए, अल्लाह ताला इनको बहुत इज़्ज़त अता फरमाए, इन्होंने बहुत शानदार तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान को आपकी सूरत में, इनकी तवज्जो से, इनकी मेहनत से आप इस तरफ आए और बेशुमार हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन बने कि वो कुरान की तरफ आएँ और देखें कि जब कोई कुरान से जुड़ता है तो फिर वो आसमान वाले से जुड़ता है और कैसी इज़्ज़त पाता है, कैसी शोहरत पाता है। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को दीन और दुनिया की बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए और मकबूलियत अता फरमाए और इज़्ज़त अता फरमाए, आपसे बहुत सा दीन का काम लें, दीन की खिदमत लें और अपनी बारगाह में, अपनी जनाब में आपको अल्लाह ताला कबूल फरमा लें।